माय डियर फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रगण, मैं समझता हूँ आपकी पढ़ाई इस समय बहुत ही अच्छी चल रही होगी। साथ ही साथ आने वाले परीक्षाओं के लिए जो आपको पढ़ाई जा रही है उसको ध्यान में रखकर अच्छा तरह से पढ़ाई भी आप कर रहे होंगे। एक बार फिर झारखंड ज्योग्राफी के चैप्टर इरिगेशन एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट, झारखंड में सिंचाई और सिंचाई परियोजना में मैं स्वरूप सर की ओर से आपका एक बार फिर स्वागत है। छात्रगण, जैसा कि बोर्ड पर लिखी हुई है, झारखंड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 जिसकी लेक्चर और नोट्स आपको आज साथ में लिखाई जाएगी, और वो चैप्टर है इरिगेशन एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट। छात्रगण, जैसा कि आपको मालूम होगा, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि झारखंड में जो औसत वर्षा है, एवरेज जो रेनफॉल है, वो 125 से 140 सेंटीमीटर के बीच है। परंतु झारखंड एक पठारी प्रदेश होने के कारण यहां के पानी जो वर्षा की होती है वो टिक नहीं पाती। साथ ही साथ नदियां एक प्रकार से बरसाती हैं, अतः उसका भी लाभ सिंचाई में नहीं हो पाता। दूसरी ओर झारखंड में जो वर्षा होती है उस वर्षा का 85% 4 महीने में ही हो जाती है। मतलब जून से सितंबर के बीच में वर्षा 85% हो गई और बाकी 15% अन्य महीनों में होती है। अब 4 महीने में ही 85% वर्षा हो जाएगी तो निश्चित तौर पे झारखंड में अगर कृषि कार्य सालों भर करनी है तो आपको सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी ओर झारखंड में जो वर्षा होती है, जैसे कि मैंने बताया, वो टिक नहीं पाता, पठारी प्रदेश है, साथ ही साथ चट्टान इग्नियस है, ऐसे में पानी भी जमीन में पूरी तरह सूख नहीं पाती, वो बह जाती है, एवं बांध तालाब डैम को सुरक्षित और संरक्षित रख रखाव इत्यादि उतनी अच्छी नहीं है, अतः झारखंड में सिंचाई की व्यवस्था उतनी अच्छी भी नहीं है। ओवरऑल झारखंड में जो सिंचाई की व्यवस्था है वो मात्र 11 से 13% है, मात्र 11 से 13%। इससे स्पष्ट है झारखंड में सिंचाई एक प्रकार से नगण्य अवस्था में है और झारखंड की कृषि पूरी तरह मानसून के साथ जुआ है या मानसून पर ही निर्भर है। फिर भी जो भी सिंचाई है उसमें नंबर 1 स्थान जो है वो कुआं का है। झारखंड में कुआं सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। जो कुल सिंचाई की भूमि का लगभग 30% है, 29.59%। उसके पश्चात स्थान सिंचाई में तालाब का है जो कुल सिंचित भूमि का 18.85% पर तालाबों से सिंचाई होती है। उसके बाद स्थान नहर का है 17.7% और तत्पश्चात स्थान नलकूप का है 8 से 9% भूमि पर नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है। छात्रगण, इसके अलावा सिंचाई के जो साधन हैं उस सिंचाई के प्रोजेक्ट को 3 भागे बांटते हैं। अगर 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा पर सिंचाई हो रही है,
किसी प्रोजेक्ट से, तो उसे बोल देंगे लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट, बृहद सिंचाई परियोजना। जिस सिंचाई प्रोजेक्ट से 2000 से 10000 के बीच सिंचाई मिल जाए उसे बोलते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना। तत्पश्चात 2000 हेक्टेयर से कम भूमि पर सिंचाई अगर मिलती है किसी प्रोजेक्ट से तो उसे बोलते हैं माइनर सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। तो छात्रगण, हम आज नोट्स लिखना भी प्रारंभ करेंगे और आपके कॉपी पर हेडिंग होगा चैप्टर नंबर 6, झारखंड में सिंचाई और सिंचाई परियोजना। झारखंड में सिंचाई और सिंचाई परियोजना, इसका आप फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि झारखंड एक पठारी प्रदेश है, झारखंड एक पठारी प्रदेश है जिसके कारण यहां नदियों का पानी टिक नहीं पाता। ऐसे में नदियां सिंचाई का प्रमुख साधन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड में वर्षा 125 से 140 सेंटीमीटर के बीच होती है, परंतु झारखंड में हुए कुल वर्षा का 85% वर्षा 85% वर्षा 4 महीनों में ही हो जाती है 85% वर्षा 4 महीनों में ही हो जाती है। जबकि शेष 15% वर्षा अन्य महीनों में। अतः झारखंड में सिंचाई की खूब आवश्यकता है, सिंचाई की खूब आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंचाई की आवश्यकता होने के बावजूद भी राज्य में कुल कृषि भूमि का 11 से 13% भाग ही इरिगेटेड है। 11 से 13% भाग ही सिंचित है, इरिगेटेड है। अतः कहा जा सकता है कि झारखंड की कृषि पूर्णतः मानसून पर आश्रित है। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड में जो सिंचाई
उपलब्ध है, झारखंड में जो झारखंड में जो सिंचाई की जाती है, उसमें कुल सिंचित भूमि का फिफ्टी एट परसेंट सतही अपर लेवल वाटर, सतही जल से, एवं 41 से 42 प्रतिशत सिंचाई भूमिगत अंडरग्राउंड एवं 41 से 42 प्रतिशत सिंचाई भूमिगत जल से की जाती है नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड में यद्यपि सिंचाई की आवश्यकता सभी जिलों में है, परंतु रांची में सिंचाई की उच्च आवश्यकता हाई लेवल का आवश्यकता है इरिगेशन का उच्च आवश्यकता, जबकि पूर्वी सिंहभूम में सिंचाई की निम्न आवश्यकता कम आवश्यकता है कहां? पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड में जो भी सिंचाई की व्यवस्था है या जो साधन उपलब्ध है उसमें प्रमुख स्थान कुआं, तालाब, नहर और नलकूप ट्यूबवेल प्रमुख है। अब लिखिए नंबर वन लिखिए कुआं लिखिए। इसमें कुआं का पहला पॉइंट है इसका, झारखंड में सिंचाई का सबसे प्रमुख और पारंपरिक ट्रेडिशनल फैसिलिटीज पारंपरिक साधन कुआं है। जो कुल सिंचित क्षेत्र का टोटल इरिगेटेड एरिया जो कुल सिंचित क्षेत्र का 29.5% सिंचाई होती है
होती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट, यद्यपि कुआं से सिंचाई सभी जिलों में होती है, यद्यपि कुआं से सिंचाई सभी जिलों में होती है, परंतु सर्वाधिक कुआं से सिंचाई वाला जिला में प्रथम स्थान परंतु कुआं से अधिक सिंचाई वाला जिला में प्रथम स्थान गुमला जिला का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुमला जिला का है। इसके बाद गिरिडीह, रांची, धनबाद और हजारीबाग का स्थान आता है। नेक्स्ट नंबर टू लिखिए, नंबर तालाब। तालाब पॉन्ड, इसमें लिखिए तालाब का फर्स्ट पॉइंट है, झारखंड एक पठारी प्रदेश होने के नाते यहां का धरातल तालाब निर्माण के लिए उपयुक्त है। सुटेबल फॉर पॉन्ड्स, तालाब निर्माण के लिए उपयुक्त है, जिसके कारण प्राचीन काल से ही तालाब के द्वारा सिंचाई की जा रही है। अतः झारखंड में तालाब से सिंचाई एक प्राचीन और प्रचलित साधन है। और तालाब से सिंचाई कुआं के बाद इसका दूसरा स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में राज्य के कुल सिंचित भूमि का 18.8% भागों पर तालाबों से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यद्यपि तालाब से सिंचाई पूरे राज्य में होती है, परंतु तालाब से अधिकतम सिंचाई वाला जिला देवघर है। इसके बाद क्रमशः धनबाद, साहेबगंज और दुमका का स्थान आता है।
और दुमका का स्थान आता है। नेक्स्ट नंबर थर्ड पॉइंट होगा आपका नहर। नहर इसे में देखिए, नहर का फर्स्ट पॉइंट है झारखंड में नहर से सिंचाई, झारखंड में नहर से सिंचाई तीसरा प्रमुख साधन है। साधन है जिससे कुल सिंचित भूमि का 17 कुल सिंचित भूमि का 17% भागों पर सिंचाई की जाती है। की जाती है। उसी का नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड में नहर से सिंचाई मुख्य रूप से सिंहभूम क्षेत्रों एवं इसके बाद सराय केला खारसावां में की जाती है। यद्यपि संथाल परगना और पलामू के क्षेत्रों पर भी नहर से सिंचाई थोड़ी बहुत होती है। नेक्स्ट पॉइंट उसी का है, झारखंड में नहर के लिए धरातल उपयुक्त सुटेबल धरातल उपयुक्त नहीं है क्योंकि जमीन ऊबड़ खाबड़ अर्थात पठारी प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नंबर 4, नल कूप, इसे बोलते हैं मॉडर्न वेल, ट्यूबवेल, नल कूप। इसमें लिखिए नलकूप में झारखंड में नलकूप सिंचाई का चौथा प्रमुख साधन है। जिसके द्वारा कुल सिंचित भूमि के 8.4% भागों पर नलकूप से सिंचाई होती है, जिसमें प्रथम स्थान लोहरदगा जिले का है। लोहरदगा जिले का है। उसी में इस नलकूप को आधुनिक कुआं मॉडर्न वेल के नाम से जानी जाती है। उसी का नेक्स्ट पॉइंट चलेगा नलकूप का ही, झारखंड में नलकूप द्वारा सिंचाई के लिए झारखंड में नलकूप के द्वारा सिंचाई के लिए उचित दशा नॉट सुटेबल कंडीशंस उचित दशा नहीं है क्योंकि
राज्य के अधिकांश क्षेत्रों पर प्राचीन इग्नेस रॉक्स, राज्य के अधिकतर क्षेत्रों पर प्राचीन अग्नेय चट्टान पाई जाती है। जिसमें जल को सोखने की क्षमता बहुत ही कम है, जल को सोखने की क्षमता बहुत ही कम है। ऐसे में अंडरग्राउंड वाटर, ऐसे में भूमिगत जल बहुत ही नीचे है, ऐसे में भूमिगत जल बहुत ही नीचे है। ओके छात्रगण, तो आपने अभी देखा कि कुआं नंबर वन फैसिलिटीज, नंबर टू तालाब, नंबर थर्ड नहर और नंबर फोर नलकूप। कुआं में स्थान नंबर वन का गुमला का, यद्यपि पूरे राज्य में होती है लेकिन नंबर वन गुमला का है। तालाब में, तालाब से सिंचाई पूरे झारखंड पर है लेकिन उसमें भी नंबर वन कौन है? देवघर। नहर से सिंचाई वही निकाली गई है जहां पर जमीन थोड़ी सी नीची है, खासकर सिंहभूम के क्षेत्रों पर। तो सिंहभूम क्षेत्र और सराय किला खरसावां, कुछ संताल परगना और कुछ पलामू क्षेत्रों पर नहर से सिंचाई होती है और ये तीसरा प्रमुख साधन है। और झारखंड का चौथा प्रमुख साधन ट्यूबवेल है, जिसमें से लोहरदगा का स्थान नंबर वन है। छात्रगण, अब आपका हेडिंग होगा अपने कॉपी पर सिंचाई परियोजना। हेडिंग दीजिए सिंचाई परियोजना, इरिगेशन प्रोजेक्ट, सिंचाई परियोजना, इरिगेशन प्रोजेक्ट। लेकिन इसमें पहला पॉइंट है सिंचाई परियोजना का, यद्यपि झारखंड में सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, फिर भी यहां जो सिंचाई परियोजना, चल रही है, इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रही है, यह कार्यरत है, एक्टिव है, चल रही है, उसे उसके पटवन, इरिगेशन, उसे उसके पटवन के क्षेत्र के आधार पर तीन भागों में बांटी जाती है। तीन भाग में बृहद सिंचाई तीन भागे बांटे जाती है। नंबर वन बृहद सिंचाई परियोजना, लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट। नंबर टू मध्यम सिंचाई परियोजना। नंबर थर्ड लघु सिंचाई परियोजना। बृहद स्केल, लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट, इंटर लेवल या इंटरमीडिएट लेवल या मीडियम लेवल सिंचाई परियोजना, और नंबर थर्ड है माइनर लेवल लघु सिंचाई परियोजना। अब लिखिए आप लोग नंबर वन हेडिंग दीजिए और पहला पॉइंट लिखिए फर्स्ट पॉइंट बृहद सिंचाई परियोजना, लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसमें लिखिए आप लोग बृहद में जिस परियोजना से 10,000 हेक्टेयर से अधिक, जिस परियोजना से 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था विकसित की गई है,
या विकसित की जाती है 10,000 हेक्टेयर से अधिक की जाती है उसे बृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं कहते हैं। उसी का नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड में कुछ महत्वपूर्ण बृहद सिंचाई परियोजना सम लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट एक्टिव। झारखंड में कुछ बृहद सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है जिसमें से प्रमुख है कांची सिंचाई परियोजना कहां रांची कांची सिंचाई परियोजना रांची रांची में है। और लिखिए स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना लिखिए डैश देखिए सेभूम क्षेत्र। नेक्स्ट कोनार बराज सिंचाई परियोजना हजारीबाग और बोकारो। और लिखिए अजय पूरा नाम है अजय बराज सिंचाई परियोजना देवघर। अजय बराज सिंचाई परियोजना कहां पर है देवघर। और लिखिए पुनासी बृहद सिंचाई परियोजना यह है देवघर प्लस दुमका। और लिखिए उत्तरी कोयल और औरंगा जलाशय परियोजना नदी है दोनों उत्तरी कोयल और औरंगा जलाशय परियोजना पलामो। नेक्स्ट देखिए नंबर टू है मध्यम सिंचाई परियोजना। और इसका पहला पॉइंट लिखिए जिस सिंचाई परियोजना से 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच सिंचाई विकसित की जाती है उसे मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। उसी में झारखंड में कुछ महत्वपूर्ण बृहद सिंचाई परियोजना झारखंड में कुछ मध्यम सिंचाई परियोजना चल रही है जिनमें से प्रमुख है अपर शंख जलाशय परियोजना अपर शंख जलाशय परियोजना लिखिए डैश देखिए
शंख नदी गुमला, लिख लीजिए, यहां लिखिएगा शंख नदी गुमला, अपर शंख जलाशय परियोजना, लिखिएगा डैश देखे शंख नदी गुमला। नेक्स्ट सोनुआ, सो नू वा, सोनुआ जलाशय परियोजना, नदी लिखेगा संजय नदी पश्चिमी सिंहभूम, सोनुआ जलाशय परियोजना, नदी लिखेगा संजय नदी और जिला होगा पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट पंच खेरो, पंच खेरो जलाशय परियोजना, पंच खेरो जलाशय परियोजना, नदी है पंचखेरो नदी, वही नदी भी है और लिखेगा जिला गिरिडीह और कोडरमा, गिरिडीह और कोडरमा। फिर लिखिए सुकरी, सुकरी जलाशय परियोजना, परियोजना नदी यही है सुकरी और जिला है लोहरदगा, और जिला है लोहरदगा। फिर लिखिए भैरवी, वही रामगढ़ वाली भैरवी, इसे भेड़ा नदी भी कहते हैं, भैरवी जलाशय परियोजना, नदी यही है भैरवी, वही भेड़ा और जिला है रामगढ़। नेक्स्ट केसो, के सो केसो, केसो जलाशय परियोजना, नदी है सकरी, सकरी नदी, नदी सुकरी नहीं सकरी, सकरी नदी और जिला है कोडरमा। नेक्स्ट बटाने, बटाने, बटाने जलाशय परियोजना, नदी है वही बटान नदी और जिला है पलामू। नेक्स्ट राम रेखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राम रेखा जलाशय परियोजना, राम रेखा, राम रेखा जलाशय परियोजना, एक नाला है उसका नाम है उतयला, उतयल नाला, उसी नाला पर है राम रेखा जलाशय परियोजना, उतियल नाला पर स्थित है और जिला है सिमडेगा, सिमडेगा। और लिखिए रेशा, रेशा, रेशा जलाशय परियोजना, रेशा जलाशय परियोजना, नदी है रेसा और जिला है क्या रांची। और नंबर थर्ड लिखिए लघु सिंचाई परियोजना, नंबर थर्ड है लघु सिंचाई परियोजना, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, लघु सिंचाई परियोजना। इसे लिखिए फर्स्ट पॉइंट, जिस परियोजना से 2000 हेक्टेयर से कम, जिस परियोजना से 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रों पर, जिस परियोजना से 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रों पर सिंचाई की व्यवस्था की जाती है या सिंचाई की, सिंचाई व्यवस्था विकसित की जाती है, उसे लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। इस परियोजना के तहत छोटे छोटे जलाशय, छोटे छोटे जलाशय, तालाब, जलाशय, तालाब, रोक बांध, चेक डैम, पानी आया दीवार खड़ा करके रोक दिया, छोटे छोटे जलाशय, तालाब, रोक बांध, चेक डैम इत्यादि
के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। तो छात्रगण, आपने ये देखा कि झारखंड में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, कितनी प्रतिशत में है, वर्षा 4 महीनों में ही हो जाती है। अतः अगर आपको सालों भर मौसम के अनुसार कृषि कार्य करना है तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। यहां पे इरिगेशन बहुत ही पुअर है, इसके पीछे कारण है क्षेत्र का पठारी होना, उबड़ खाबड़ होना, नदियों का पानी संग्रह नहीं रह पाता, चट्टान इग्नेस है वो पानी सूख नहीं पाता, जिसके कारण अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बहुत नीचे चला गया है। साथ ही साथ नदियां बरसाती है, अतः नहरों का विकास ठीक से नहीं हो पाया है। परंतु जो भी विकास हुआ है उसमें से उस प्रोजेक्ट को 3 नाम दिया गया है, लार्ज, इंटरमीडिएट्स और माइनर। इसके अलावा जो सिंचाई यहां पे होती है उसमें से कुआं नंबर 1, नंबर 2 तालाब, नंबर 3 नहर और नंबर 4 नलकूप से होती है। जो पानी भी मिलता है झारखंड को सिंचाई के लिए, उसमें से उस पानी में 58% बोल सकते हैं लगभग 60% वाटर सतही जल, ऊपरी जल से सिंचाई होती है, जबकि 41-42% वाटर जो अंडरग्राउंड है उससे सिंचाई की व्यवस्था होती है। तो छात्रगण, आपने देखा झारखंड के सिंचाई क्या है और कौन कौन सा प्रोजेक्ट चलाई जा रही है। छात्रगण, विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछी जाती है कौन सी प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर है और कौन सा जिला इससे लाभान्वित हो रही है। जैसे प्रश्न आ जाए कांची सिंचाई परियोजना से कौन सा जिला सिंचाई के लिए लाभ लेता है, तो उसका उत्तर होगा रांची। राम रेखा सिंचाई परियोजना कहां पर है, तो उत्तर होगा सिमडेगा। छात्रगण, आपको यह जानना है कौन से सिंचाई परियोजना से कौन सा जिला और वो सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। तो छात्रगण, ये हमने खत्म किया आज झारखंड में इरिगेशन एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट। हम एक बार फिर नेक्स्ट क्लास में नए ऊर्जा के साथ फिर मिलेंगे, कोई झारखंड ज्योग्राफी का न्यू चैप्टर लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करें और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने की प्रयास करते रहें। ओके।